हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो फुल फॉर्म के हमारी सीरीज में ये वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट 3 आ गया है। और जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, वो अभी जाकर हमारा प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करने का अगर मन नहीं कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। और सबसे पहले आप वो वीडियो देख के आइए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि हमारा ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फुल फॉर्म को जानते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने FJL यहाँ तक फुल फॉर्म को कवर कर लिया था। अब हम FLD से स्टार्ट करेंगे और हम ये कोशिश भी करेंगे कि पिछले वीडियो से ज़्यादा फुल फॉर्म इस वीडियो में कवर हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है FLD, जिसका फुल फॉर्म होगा फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस। सेकेंड है FMD, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड माउथ डिजीज। नेक्स्ट है FMDV, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस। FPTC, फूड प्रोसेसिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। FPTC, फूड प्रोसेसिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। FRC, फूड रिसर्च काउंसिल। FSC, फार्म साइंस सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे के भी कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। HAV, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी जिसे कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है HDPE, जिसका फुल फॉर्म होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसी के अपोजिट में एक होता है LDPE, जिसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर में आपको मिलेगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है HETC, हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD का मिनिस्टर आपको मैं बता दूँ, इस समय करेंट में जो HRD के मिनिस्टर हैं वो उनका नाम रमेश पोखरियाल है, जो ये फैसला लेते हैं CBSE के एग्ज़ाम्स कब होगा और या फिर अदर एग्जाम्स कब डिसाइड होंगे। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है HSDC, जिसका फुल फॉर्म होगा हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है HVT, हर्ब्स वायरस ऑफ टर्की। IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। IAHS, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स कंपनी। IARC, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। हमारा नेक्स्ट है IAS। यहाँ UPSC वाले IAS की बात नहीं की जा रही है, UPSC वाले IAS की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पर यहाँ जो IAS की बात की जा रही है उसका फुल फॉर्म होगा इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है IBD, जिसका फुल फॉर्म होगा सॉरी IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट है IBD, जिसका फुल फॉर्म होगा इन्फेक्शियस बोवीन डिजीज। नेक्स्ट है IBR, इन्फेक्शियस बोवीन राइनोट्रैकिटिस। नेक्स्ट है IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, जो कि रोम यानी इटली में है, रोम या इटली। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है IBRD, जिसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड
एंड डेवलपमेंट द वर्ल्ड बैंक। हमारा नेक्स्ट फॉर्म है ICAR, जिसका फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली में है। इस बार बहुत सारे बच्चों ने ICAR में एग्रीकल्चर से पढ़ने के लिए फॉर्म भी भरा होगा, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न के पूछे जाने का चांस बहुत अधिक है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वह है ICFRE, जिसका फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि देहरादून में है। अभी तक हमने 26 शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म कवर कर लिए हैं। हमारा 27th शॉर्ट फॉर्म है ICID, जिसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज। नेक्स्ट है ICSU, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस। नेक्स्ट है ICM, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। IDRC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वह है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कि रोम में है। नेक्स्ट है IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है IFDC, इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर। IFWA, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। IIASA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस, लग्जमबर्ग वीना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अलाहाबाद। हमारा आज के वीडियो का जो लास्ट शॉर्ट फॉर्म है वह है IJO, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा ये Part 3 वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप कि ये सारी फुल फॉर्म्स आपको क्लियर ही होंगे, आप इसे नोट किए होंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखे होंगे और इसे लर्न करके आगे चल कर रिवाइज भी करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और वो जो किसी चीज़ या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।